टंडे वाला बर्गर, टंडे वाला बर्गर, टंडे वाला बर्गर। Assalamualaikum। So, मेरा पब्लिक कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसे कि आप लोग ने मेरा टाइटल पढ़ लिया, तो आज कुछ होने वाला है। तो ये स्टार्टअप मुझे देना चाहिए यार, पता नहीं क्यों मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप लोगों ने देखनी है। तो मैं अपने दोस्त से आपको मिलवाता हूँ, मेरा दोस्त अपनी तारीफ खुद करेगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जैफ है और आज हम लोग एक ब्लॉग करने जा रहे हैं स्ट्रीट फूड पर। तो बहुत अमेजिंग ब्लॉग होने वाला है ये। तो बहुत फेमस फेमस जो जगह है ना, बर्गर जो, जहाँ से बहुत फेमस फेमस लोग, मतलब रुक जाओ एक सेकेंड, 1 2 3 एक्शन क्यू। तो फेमस जो है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, जिनके बर्गर बहुत अच्छे होते हैं, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वो चेक करने जा रहे हैं। खाएंगे कौन सा बर्गर? अंडे वाला। अंडे वाला तो आप अंडे वाला बर्गर देखें, इंजॉय करें और हमें थोड़ी सी इजाज़त दें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। भाई सीन ये है कि रश बहुत ज़्यादा है और उदैफा मेरा भाई, प्यारा भाई ले रहा है, तो दिखाता हूँ मैं आपको क्या सीन है क्या नहीं। रश बहुत है यार, कैमरा निकालते हुए अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं तो आगे पीछे बैठ गया हूँ। और ये जगह बताता हूँ मैं आपको, रुक जाओ। हमारा जो इरादा है वो ये है कि तकरीबन शाह फैसल कॉलोनी जहाँ हम लोग रहते हैं, तो वहाँ के जितने फेमस बर्गर हैं, जो भी सीन है, तो हम लोग उसको कवर कर सकें। तो अभी हम लोगों ने एक बर्गर लिया, क्योंकि अभी दो ले लेते तो हमारा पेट यहीं फुल हो जाता, तो आगे हमारी हिम्मत नहीं होती। तो अभी सीन ये कि हम लोगों ने ले तो लिया बर्गर, लेकिन उसने हमें प्लेट नहीं दी, क्योंकि वजह जानने वाला है, लेकिन वजह ये है कि कोरोना वायरस चल रहा है। हाँ भाई, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सख्ती हो गई है, जिसकी वजह से वो प्लेट्स में नहीं दे रहे, तो हमें मजबूरी में पार्सल लेना पड़ा। तो अब हम लेके जाने लगे हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। और अच्छा हाँ, एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो बर्गर वाला है, ये शमसी मस्जिद के बिल्कुल सामने बर्गर है। अली तो बहुत मशहूर है और इसका बहुत मज़े का बर्गर है, बहुत ज़्यादा। बाकी आप लोग देख के आगे मुँह में पानी आ जाए। लोग बनाते हुए तो वो प्लेट लेके आ गया, उसने बोला सर हमें आपको डाल के देख यार क्या सीन है यार। तो मिलते हैं खा के, सही है। तो हम लोग एक और बहुत मशहूर जगह पे आए हैं, जिनके ओनर हैं ये ले भाई, बहुत नाइस बंदे, मैं इधर आता रहता था काफ़ी टाइम पहले से। तो भाई अपना एड्रेस बताओ, कहाँ पे ये है, कहाँ पे? शर्मा रहे हो? अच्छा, वो शर्मा रहे हैं, मैं बताता हूँ। शमसी के अंदर, क्या नाम है, वालस गेट के अंदर आओगे ना सीधा, तो स्टार गेट के फौरन बाद ये गेट आएगा, और ये गेट देख लो। अच्छा, अंदर बैठना अलाउ नहीं है क्योंकि कोरोना चल रहा है, आप सबको पता है। जान दे भाई। तो सीन ये है कि ये बंदा देख लो, ये स्लोमो बना रहा है आप लोगों के लिए, और ये बंदा हमारे लिए अंडे वाला बर्गर बना रहा है। भाई दिखाना ज़रा, सही है? तो स्टार गेट के बाद ये अला गेट आना ज़रूर। अरे पहले तो वो हमें मना कर रहे हैं कि भाई इधर अलाउ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसके बाद जब हम लोग बता रहे हैं उनको कि हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं और ये वो फलाना ढमकाना, तो वो हमें ऐसे इज्जत से अंदर बिठा के प्लेट ला के दे रहे हैं। उधर भी बैठे थे लेकिन उधर जगह नहीं थी बैठने की, इधर मुकम्मल जगह है, पंखे लगे हुए, ए सी नहीं लगे हुए, पंखे लगे हुए। तो भाई बताओ, भाई यहाँ का हाल अच्छा है, बेहतर है पिछले वाले से, लेकिन पिछले वाले का बर्गर लास्ट का था, यहाँ का चेक करते हैं कैसा है।
मैं तो आया हूँ इधर, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आया। तो मिलते हैं यार ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद। एक हमने उस तरफ बर्गर खाया और एक ही बर्गर इधर खाया, आधा आधा करके, और हम लोग के पेट फुल हो चुके हैं। अभी ये सीन है कि अब हमें पता नहीं कि अभी हमें क्या करना है आगे क्या नहीं, तो अब इस कहानी को कल पे लेके चलते हैं।